हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर नंबर नाइन फॉर क्लास सिक्स एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज डेजर्ट एनिमल्स डेजर्ट एनिमल्स मींस मरुस्थल में रहने वाले जानवर मरुस्थल में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं और वो किस तरह से सरवाइव करते हैं लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कैन यू नेम समेज़र्ट एरियाज़ इन इंडिया क्या आप इंडिया के कुछ डेजर्ट एरियाज़ के नेम बता सकते हैं और वर्ल्ड के संसार के कुछ डेजर्ट एरियाज़ के नेम बता सकते हैं हू डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज़ आप क्या सोचते हैं कि ऐसे एरियाज में कौन रहता है कुछ, किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं कौन से एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट्स जो हैं वो क्या हैं सबसे ड्राइएस्ट प्लेस हैं अर्थ के ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो सबसे सूखा इलाका होता है सूखी जगह होती है हम उसको डेजर्ट बोलते हैं कई बार वहाँ पे क्या होता है महीनों तक और इवन कई सालों तक भी वहाँ पे बारिश नहीं होती है विदाउट रेन रहता है मीन्स डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड सम गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट ए रेन बट इवन द डजर्ट एनिमल्स कॉन्ट सर्वाइव विदाउट वाटर कई बार ऐसे हो जाता है ऐसा भी होता है कि डेजर्ट एनिमल्स भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते लंबे समय तक वो कैसे प्यासे रह सकते हैं सूर्य की इतनी हीट को सन मीन्स सूर्य की तेज़ रोशनी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस प्रकार वो क्या करते हैं सो दे हैव हैड टू फाइंड तो इस तरह से वो अलग तरीके निकालते हैं डिफरेंट वेज निकालते हैं ऑफ कोपिंग विद द कोप करने का मीन्स उनके साथ जो हार्स कंडीशंस हैं उनसे लड़ने का दूसरा तरीका निकालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि जो गर्पिल है स्पेंड द होटेस्ट पार्ट ऑफ द डे कि ये जो एनिमल है ये सबसे जो गर्म दिन है गर्म दिन का हिस्सा दिन का बीच का हिस्सा जो है वो पृथ्वी के नीचे ही अंडरग्राउंड ब्यूरो में अंडरग्राउंड नीचे धरती में होल में ही गुजारता है एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स जो हैं कुछ अजीब से जो इंसेक्ट्स हैं और जिनको हम डार्कलिंग बीटल भी कहते हैं वो क्या करते हैं आर एक्सपर्ट्स हैं आर कैचिंग ड्रॉप्स मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स जो बीटल्स हैं वो जो मॉइस्चर होता है पानी की जो बूंदें होती हैं रात में या पेड़ से किसी मॉइस्चर जो टपकता है उसको अपने पैरों पे जो हैं वो अपने पैरों पे होल्ड करती हैं और फिर वो अपने पैर को उठाकर क्या करते हैं पैर को लिफ्टअप करते हैं कैच करते हैं सबसे पहले मॉइस्चर को ऑन लैग और फिर लिफ्ट करते हैं अपने पैर को जब तक कि वो ड्रॉप जो है उनके माउथ में आकर नहीं गिर जाती सभी डेजर्ट्स जो हैं वो क्या हैं एंडलेस सी नहीं हैं बिल्कुल अथाह जो है समुंदर की तरह से मिट्टी से नहीं बने हुए हैं कुछ रोकी हैं चट्टानों से बने हुए हैं कुछ पत्थरों से बने हुए हैं और कुछ में कुछ स्मॉल बूसीज भी हैं झाड़ियाँ भी हैं मीन्स कुछ पेड़ पौधे भी हैं और कुछ जो कुछ ऐसे हैं एंड अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर्स से भी होते हैं स्प्रिंग सीजन में मीन्स जब कई बार बारिश हो जाती है तो वहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं कई मरुस्थल्स में देर आर मोर देन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अब दिफ, अब डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की बात करेंगे कि हम कौन कौन जो है वो डेजर्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है सबसे पहले क्या हम किसकी बात करेंगे स्नैक्स की बात करेंगे स्नैक हैं जो पूरे और और संसार में वर्ल्ड में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं लगभग टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिफरेंट स्पीसीज हैं स्नैक्स की जो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं रेंजिंग फ्रॉम जस्ट फिफ्टीन सेंटीमीटर कहाँ से क्या उसका मेजरमेंट क्या है सबसे छोटा जो स्नेक जो है फिफ्टीन सेंटीमीटर का होता है और सबसे ज़्यादा लंबा स्नेक जो होता है वो इलेवन मीटर का होता है लॉन्ग टू मोर देन इलेवन मीटर्स मोस्ट जो स्नेक्स हैं वो क्या है? harmless हैं क्वाइट हार्मलेस हैं हार्मलेस मीन्स नुकसान ना करने वाले हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती बट देर आर ए फ्यू देट सो पॉइजनीस लेकिन कुछ इतने पॉइजनीस होते हैं जहरीले होते हैं कि देट दे कैन किल हुमेन बींग वो अगर एक बार बाइट करे सिंगल बाइट में ही वन बाइट में ही हुमेन बींग को मार सकते हैं कुछ स्नेक्स जो हैं वो ले एग्स अंडे देते हैं मोस्ट स्नैक्स बट देर आर मैनी कुछ ऐसे हैं जो गिव बर्थ अपने यंग वंस को जन्म भी देते हैं इन ड्राई जो है रोकी जो डेज़र्ट्स हैं ऑफ़ अमेरिका अमेरिका के लीव्स ए रर एविल लुकिंग एक अमेरिका के डेज़र्ट्स के अंदर एक बहुत ही भद्दा दिखने वाला एविल लुकिंग बहुत ही भद्दा दिखने वाला सांप भी रहता है और जिसकी रेपुटेशन मीन्स जिसके बारे में हम सुनते हैं कि कैसा सांप है उसकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी है ये बहुत ही ड्रावना है जो उसकी रैटल है रैटल क्या होता है जब स्नैक चलता है और जो साउंड आती है उस दैट इज़ रैटलिंग साउंड उस साउंड को थर्टी मीटर दूर तक भी सुना जाता है और वो बहुत ही ड्रावनी होती है और यह स्ट्राइक कैसे करता है ये कितना तेज़ चलता है कितना तेज़ भागता है जितना कि रोशनी भागती है जैसे स्पीड हम बटन ऑन करते हैं और पूरे घर में लाइट हो जाती है तो इतनी ही स्पीड इस स्नेक की है बट अब डिफरेंट टाइप के स्नैक्स की बात आ रही है अब रेटलर स्नैक्स रेटल स्नैक्स जिनको हम रेटलर भी कहते हैं ये क्या हैं समटाइम्स क्वाल्ड ये प्रेफर करते हैं किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उस एरिया को प्रेफर करते हैं जहाँ पे पीपल ना हों लोग ना हों लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया को ये अवॉइड करते हैं इट होल्ड इज अपराइट एंड ये अपनी टेल को सीधा करते हैं सीधा खड़ा करते हैं कब सीधा खड़ा करते हैं जब ये अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं जब इन्हें किसी के आने की आवाज़ आवाज़ तो इन्हें सुनाई नहीं देती है ये तो महसूस करते हैं जब ये कुछ डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं तो ये अपनी टेल को सीधा खड़ा करते हैं इन द होप किस होप में दैट द इंट्रूडर विल गो अवे कि जो झांकने वाला है आने वाला है वो चला जाएगा हाउ एवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड अगर इसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाता है कि ये वार्निंग कैसे देते हैं अपनी टेल को उठा कर देते हैं कि ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्नैक है यहाँ नहीं आना है ये डराते हैं दूर से ही लेकिन अगर कोई इनसे डरता नहीं है और उस वार्निंग को इग्नोर करता है अनदेखा करता है एंड इट फील्स थ्रेट तो ये क्या महसूस करते हैं इसको धमकी महसूस करते हैं कि हमें धमकी दी गई है इट विल कॉल रेडी टू बाइट और ये क्या हो जाते हैं कुंडली मार कर बैठ जाते हैं कोयल हो जाते हैं घूम कर बैठ जाते हैं और रेडी हो जाते हैं बाइट करने के लिए खाने के लिए रेडी हो जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं बट रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हीयर दॉयस इट्स ओवन टेल मेक्स लेकिन जो जब रेटलर चलता है तो इसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा साउंड करती है और यह है खुद जो है उस आवाज़ को नहीं सुने सकता है जो मोस्ट स्नैक्स हैं जो इट हीयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन जो बहुत सारे साँप जो हैं मोस्टली जो स्नैक्स हैं उस आवाज़ को वाइब्रेशन के थ्रू सुनते हैं इन द ग्राउंड ग्राउंड के अंदर मीन्स उनके वो ईयर से कान से सुनाई नहीं देता जो वाइब्रेशन्स होती हैं जो धवनियाँ होती हैं जो फीलिंग्स हैं उनको वो सुनते हैं इफ़ ए इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियरली मीन्स कोई पर्सन नियर बाई वॉक करता है स्नैक के तो उसको उसे महसूस हो जाता है उसकी मोमेंट से कि कोई मेरे पास आ रहा है बट अगर उसी टाइम वो पर्सन क्या करता है कि शाउट करता है चिल्लाता है तो उस स्नैक को सुनाई नहीं देता है जो रेटल स्नैक्स हैं जो वो बहुत ही वाइड मीन्स कॉमन स्पीसीज़ है कॉमन जाती है बहुत दूर दूर तक वाइड स्प्रेड एनिमल है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये हर जगह पाया जाता है लिविंग एकरोस कहाँ कहाँ तक अमेरिका में अमेरिकन अमेरिका कॉन्टीनेंट में अमेरिका महाद्वीप में ये कनाडा से अर्जेंटीना तक ये रेटल स्नैक पाया जाता है और वो बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी खाते हैं दे फीड फीड मींस खाते हैं क्या फ़ीड करते हैं वैरायटी ऑफ प्रे पी आर ई वाई प्रे मीन्स शिकार करना और जो प्रे हमारा पी आर ए वाई है जो प्रेयर हम मॉर्निंग में करते हैं पी आर ई वाई प्रे मीन्स शिकार इंक्लूडिंग वो क्या क्या खाते हैं माइस खाते हैं वोल्स खाते हैं रैट्स खाते हैं चिमपोंक्स खाते हैं ये और इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं जो वहीं डेजर्ट में रहते हैं और इनको ये सांप खाते हैं एंड मैनी अदर और बहुत सारे दूसरे स्मॉल एनिमल्स को भी ये खाते हैं जो रेटस स्नेक्स हैं वो अपनी जो प्रे है अपने शिकार को अपने वेनोम अपने जहर से मारते हैं अपने दांतों से काट कर मारते हैं और दूसरे स्नेक की तरह से ही वो क्या करते हैं स्वेलो करते हैं निगल लेते हैं अनफो मीन्स एनिमल्स को वो सीधा ही खा जाते हैं सीधा ही निगल जाते हैं पूरे एनिमल्स को जो कुछ एनिमल्स हैं वो हैव टू ईट मोर देन वंस कुछ जो स्नेक्स हैं वो एक बार ही पूरे सप्ताह में खाते हैं किसी किसी को एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है बट जो लार्ज पाइथन है पाइथन जो लार्ज पाइथन स्नैक है वो क्या है कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मंथ विदाउट ईटिंग बहुत एक साल तक भी बिना खाए पिए रह सकता है अब जो नेक्स्ट अभी हमने किसके बारे में पढ़ा स्नैक्स के बारे में पढ़ा अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैंगूज मैंगव्ज़ किस तरह से मैंग्ज जो है वो लाइक टू हैंड टुगेदर एक ग्रुप में रहते हैं समूह में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं बट दे ऑलवेज़ कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस लेकिन वो हमेशा देखभाल करके रखते हैं चौकन्ने रहते हैं कि कहीं हमारा कोई हमारे नुकसान पहुंचाने वाला प्रीडेटर नुकसान पहुंचाने वाला कोई एक ऐसा एनिमल जो हमारा शिकार करे वो नियर बाई तो नहीं है हमारे नज़दीक तो नहीं है वोकिंग देयर नोजेस वो क्या करते रहते हैं इनकी हैबिट्स क्या हैं जो मैंगज़ की हैबिट्स हैं वो क्या हैं कि वो अपनी नोज को जो होल्स में डालते हैं और अपनी रोक्स को अपनी जो है रोक्स को ओवरटर्न करते हैं इधर उधर करते रहते हैं पत्थर को अपने पैरों से और ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं ग्राउंड में खोदते रहते हैं ग्राउंड में स्क्रैचिंग करते रहते हैं किससे भी देर शार्प क्लॉथ से अपने तेज पंजों से जो बैंडिड मैंगूव हैं आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच जो धारी वाले जो जिनके ऊपर बैंडिड बैंडिड मीन्स जिसके ऊपर पट्टियाँ होती हैं ऐसे मैंगूव जो हैं बहुत ही अम्यूज़िंग होते हैं फनी एनिमल्स होते हैं देखने में एक जो कॉमन साइट है इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका अफ्रीका की कि में बहुत सारी एक जो कॉमन सीन है जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है कि वो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं ग्रुप में देखे जाते हैं मैंगूज हमेशा दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट ट्वेंटी बीस बीस ट्वेंटी ट्वेंटी जो हैं वो अपने ग्रुप में रहते हैं टू फो फॉर मीन्स किसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना शिकार करने के लिए बीटल्स को खाते हैं वो मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स जिनको वो अटैक करके उनका प्रे करते हैं शिकार करते हैं वो क्या करते हैं दे लाइक टू हैंड टूगेदर वो इकट्ठा शिकार करना पसंद करते हैं और कीपिंग इन टच वहन एवर दे गो आउट ऑफ साइड बिहाइंड रॉक्स और फिर क्या करते हैं वो जब वो ग्रुप में शिकार करते हैं तो वो उस समय पीछे छिप जाते हैं रॉक्स बिहाइंड बिहाइंड रॉक्स चट्टानों के पीछे झाड़ियों के पीछे जब छुप जाते हैं और जो एक दूसरे से टच में नहीं रहते और अलग हो जाते हैं तो वो ट्विटरिंग एंड कॉलिंग अपनी आवाज़ करके एक दूसरे को बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ और वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं वो हमेशा लुकआउट करते हैं डेंजर का लुकआउट करते हैं मीन्स उसको देखते हैं पहले ही भाप लेते हैं कि कोई हॉक बड़ा बाज या कोई चील या कोई उनसे बड़ा सांप उनके ऊपर अटैक तो नहीं करने वाला है उन, उन उनको मारने वाला तो नहीं है कोई लार्ज स्नै दे वॉन वन अदर इस तरह से अगर कुछ किसी एक को भी इस तरह से इनमें से कोई भी दिखाई देता है कोई हॉक ईगल या लार्ज स्नैक तो मैंगूज़ क्या करते हैं कि वो दे वॉर्न वन अनादर वो एक दूसरे को वार्निंग दे देते हैं एक स्पेशल अलार्म उनकी होती है एक आवाज़ होती है एक सिंबल होता है और उसी आवाज़ को वो निकालते हैं और वो सभी क्या समझ जाते हैं कि समथिंग इज़ सस्पिशियस कुछ संदेह है कुछ ना कुछ खतरा है हमारे आसपास में जो मैंगूज हैं वो फेमस हैं किस चीज़ के लिए फॉर बींग एबल टू किल स्नै स्नैक्स को मारने के लिए फेमस हैं विदाउट गेटिंग हर्ट बिना किसी हर्ट के बिना किसी उनको नुकसान पहुंचाए। उनके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही फास्ट हैं रिएक्शंस जो वो डोज कर जाते हैं स्नैक को जब स्नै जो है उन पर हिट करता है तो वो क्या कर जाते हैं डोज कर जाते हैं इस टाइम एंड द स्नैक स्ट्राइक जब स्नैक स्ट्राइक करता है तो वो वहाँ से हट जाते हैं और इस प्रकार ये जो मीन्स इंसिडेंट है ये बार बार नो सेंस नो सेंस मीन्स इरीटेट करने वाली घटना कि जब भी स्नेक अटैक करता है तो वो दूर हट जाते हैं वो बार बार करते हैं और वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि स्नेक गेट्स टायर्ड स्नेक जो है वो थक नहीं जाता और उसके बाद वो क्या करते हैं क्विकली डाइव करते हैं इन फोर द किल और एकदम से डाइव करके वो सांप को मार देते हैं ओल द फीमेल जो मैंगव हैं वो क्या हैंव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम सेम टाइम मीन्स उनका जो बर्थ टाइम होता है बेबीज़ का यंग वंस का वो मोस्टली एक ही टाइम होता है और सभी एक साथ ही मोस्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या करते हैं एक जो डैन बनाते हैं वो डैन उनकी किस तरह से होती है एक ओल होलो लोग लेकर एक खाली लकड़ी लेकर उसके अंदर वो ग्रुप में वहीं इकट्ठे सभी का पालन पोषण करते हैं और जब जो मोस्ट एडल्ट्स हैं जब फूड के लिए जाते हैं रात में खाने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक या दो मेल जो हैं वो स्टे बिहाइंड मींस पीछे ठहरते हैं क्या करने के लिए टू स्टैंड गार्ड उनकी देखभाल करने के लिए कब तक एंटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट जब तक रात तक वो दूसरे जो मैंगूज हैं वो लौट कर नहीं आ जाते तब तक वो देखभाल करते हैं Animal, जो अनदर एनिमल्स जो नेक्स्ट जो एनिमल है अभी मैंग से आगे किसकी टर्न आती है वो है कैमल कैमल जो है वो क्या है एक डेज़र्ट एनिमल है और डेज़र्ट में रहता है एनिमल्स इसको कैमल को सबसे पहले पीपल ने लोगों ने डोमेस्टिकेटेड बनाया एक घरेलू पालतू जानवर बनाया हजारों साल पहले वाइल्ड एनिमल जो है वाइल्ड कैमल जो है वो यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स जो जंगली कैमल्स हैं ऊँट हैं वो ग्रुप में रहते हैं समूह में रहते हैं एटलीस्ट थर्टी एनिमल्स एक साथ रहते हैं थर्टी कैमल्स एक साथ रहते हैं इनकी लॉन्ग जो सेगी विंटर कोट है मीन्स सर्दियों में ये क्या रखते हैं इनकी जो जो ऊपर से ऊपर का जो स्किन का एरिया है वहाँ पे जो इनके हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा विंटर में एक कोट का काम करती है और इन्हें वार्म रखती है और जो गर्मी के अंदर ये क्या करते हैं समर में उनको शॉर्ट कर देते हैं और नीट एंड क्लीन कोट का काम करते हैं वो जिससे वो कीप कूल रहते हैं उन्हें गर्मी नहीं रख, लगती है एक थर्स्टी जो कैमल है एक प्यासा जिस ऊँट को प्यास लगी हुई है वो एक थर्टी गैलूस वाटर पी सकता है और थर्टी गैलूस का जो मेजरमेंट बताया है वो लगभग कितना हो सकता है फाइव हंड्रेड फुल ग्लासेस पाँच सौ ग्लास जो है वो एक साथ पी सकता है कित, कितनी देर में इन जस्ट टेन मिनट्स दस मिनट के अंदर नॉर्मली हाउ एवर ईट गेट्स ऑल द मॉइस्चर जो ये मॉइस्चर प्राप्त करता है वो कहाँ से लेता है जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं जिनको खाकर ये सर्वाइव रहता है ज़िंदा रहता है और ये मोस्टली टेन मंथ्स तक रह सकता है बिना ड्रिंकिंग वाटर बिना पानी पिए और खाए कितने महीने तक ज़िंदा रह सकता है फॉर टेन मंथ्स के लिए सर्वाइव कर सकता है सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना जिंदा रह सकता है अब ये एक कैमल है आप इसकी पिक देख रहे हैं इसके जो हैं वो डबल हैम्प हैं टू हैम्प्स हैं एक आपने और भी कैमल्स देखा होगा जो होगा उसका एक सिंगल ये पीछे वाला हैम्प नहीं होता है और सिर्फ यही एक सिंगल वन होता है और इसके जो कितने हैम्प हैं यहाँ पे जो हैं वो टू हैम्प्स हैं अब सिंगल हेम्प और डबल हेम्प की बात होगी हमारे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल दो तरह के कैमल्स होते हैं एक जो होते हैं वो वो होते हैं ड्रोमेट्री ड्रोमेट्री होते हैं वो सिंगल हेम्प वाले होते हैं उनका सिंगल हम्प होता है बस और जो सेकेंड वन है सिंगल हेम्प होता है और जो सेकेंड वन है उसको बैक्टीरियन कैमल कहते हैं और उसके टू हम्प्स होते हैं इट मीन्स हमारा ये जो कैमल है इसके टू हम्प्स हैं टू हेम्प हैं और ये हमारा कौन सा कैमल है बैक्टीरियन बैक्टीरियन है ये इट इसके टू हैम्प्स हैं और जो सिंगल हैम्प है उसको क्या कहते हैं ड्रोमेड्री हैम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द जो हैम्प है वो एनिमल को सर्वाइव करने में मदद करता है जिंदा रहने में मदद करता है किस तरह से बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर अब जो हेम्प है वो क्या है एनिमल इसका कैमल का ये एक स्टोरेज uh, कंटेनर है जिसमें यह सामान को इकट्ठा करता है कौन से सामान को इकट्ठा करता है कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसमें वाटर को स्टोरेज करता है बट नहीं बट दे डोंट स्टोर वाटर स्टोर नहीं करते पानी नहीं करते हैं वो हेम्प में मैनी पीपल रोंगली बिलीव बहुत सारे लोग जो है ये गलत विश्वास करते हैं हेम्प तो किससे फुल ऑफ फुल ऑफ फैट दिस फैट नॉरिश द कैमल्स वैन फूड इज कास्ट जब फूड की कमी हो जाती है जब खाने की कमी हो जाती है जो हेम्प है उसकी जो फैट होती है उसके सहारे कैमल जिंदा रहता है इफ दे हैव नथिंग टू ईट अगर उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता बहुत दिनों तक तो उनका हेम्प जो है वो श्रिंक हो जाता है सिकुड़ जाता है क्यों क्योंकि उसकी जो फैट है वो यूज कर ली जाती है और फैट जब यूज़ कर ली जाती है तो जो हेम्प है वो क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है देर आर मैनी अदर वेज बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि एनिमल्स आर अडेप्टिड टू डेजर्ट लाइफ वो अपनी डेजर्ट लाइफ को अडेप्ट करने के लिए मीन्स एग्री हो जाते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं अपने अलग अलग तरीक़ों से कोई कहीं से मॉइस्चर प्राप्त करता है कोई कहीं से खाना प्राप्त करता है मीन्स वो अपने अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं उन इन कैमल्स भी और कैमल्स भी ऐसे ही अलग अलग तरीके डेजर्ट लाइफ में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ढूंढ लेते हैं उनका जो माउथ है वो क्या है वो बहुत ही टफ़ है इतना टफ़ है कितना टफ है टफ मीन्स टाइट है कि शार्प थ जो शार्प बहुत ही पहने जो थ मीन्स कांटे जो हैं वो कांट पायस जो वो भी उससे नहीं चुभते हैं वो भी उसको पीड़ा नहीं दे सकते हैं मीन्स इनका माउथ जो है वो इतना स्ट्रोंग होता है कि कांटेदार झाड़ियों को भी वो खा सकते हैं आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ यू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू